उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रवाद के समर्थन में खुलकर बयान दिया है। यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्र विरोधी उस चूहे की तरह है जो घर में रहकर अनाज भी खाते हैं और सामान भी काट जाते हैं। महोदय, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यों ने बहुत सारी चीजें यहां पर रखी और खासतौर पर मैं धन्यवाद दूंगा, यहां पर नहीं है, नेता प्रतिपक्ष से अखिलेश यादव जी और अन्य हमारे नेता विपक्ष के अन्य सभी मान्य नेताओं का, जिन्होंने इस सदन में अपनी बातों को रखा। स्वाभाविक रूप से विपक्ष अपनी बात बोलेगा, सत्ता पक्ष के सदस्य अपनी बात को रखेंगे और इस दोनों के बीच से ही हमें एक रास्ता निकालना है। मुझे यहां पर कुछ माननीय सदस्यों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था और नेता प्रतिपक्ष के पूरे भाषण को मैंने यहां पर पूरी शालीनता के साथ सुना। एक घंटे का उनका जो भाषण था राज्यपाल महोदय जी के, उसमें उन्होंने अपनी उपलब्धियों और अपनी बातों को ज्यादा कहा। वह स्वाभाविक रूप से नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें अपनी बातों को कहना था, लेकिन मुझे नेता प्रतिपक्ष की कुछ बातों को लेकर के बहुत आश्चर्य हो रहा था और ऐसा लगता था कि एक होता है कि व्यक्ति चुनावी सभाओं में बात करता है, वहां पर वह अपनी अपनी मीठी मीठी बातों को बोलता है, लेकिन सदन में चुना गया सदस्य तो यह प्रदेश के अलग अलग भागों से चुन करके आया है। जमीनी धरातल की बात उनके सामने अगर होती तो बहुत अच्छा होता। और मुझे उनकी भाषण पर एक बात कहनी है, कि नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं।